जय महाभारत पार्टी नेशनल लेवल पार्टी है। ये अखंड भारत में कांग्रेस और बीजेपी का विकल्प है सारा देश के लिए। जय महाभारत पार्टी। मेरा नाम भगवान श्री अनंत विष्णु है। जय महाभारत पार्टी का संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हम महाराष्ट्र तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। ऐसा प्रोफेसर से मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एडवोकेट भी हूँ। और जय महाभारत पार्टी आने वाला पूरा लोकसभा 543 इलेक्शंस में पूरा चुनाव लड़ने जा रहा है, यानी आने वाला लोकसभा चुनाव में पूरा 543 सीटों पे जय महाभारत पार्टी अकेले दम पे लड़ने जा रहा है। आज हम ये पत्रिका गोष्ठी में बोलने का इरादा यह है, जय महाभारत पार्टी पूरा त्रिपुरा राज्य में 60 MLA कांस्टेंस में चुनाव लड़ने जा रहा है अकेले दम पे। और जय महाभारत पार्टी एजेंडा ये है, पूरा त्रिपुरा राज्य में दारू बंद करने के लिए हमारा एजेंडा है, यानी ड्रिंक बंद करने का हमारा एजेंडा है। ये दारू से क्राइम बढ़ रहा है, अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, लुटाई चल रहा है। इसको बंद करने से सारा त्रिपुरा राज्य अच्छा बनेगा। और त्रिपुरा में पूरा अनेक स्कूल्स, नया कॉलेजेस, नया स्कूल्स बना के फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क शिक्षा देने के लिए हमारा एजेंडा है। और प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम को बंद करेंगे और प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम को त्रिपुरा सरकार के द्वारा टेक ओवर करके जनता को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देने के लिए हमारा इरादा है। सिर्फ आपका बाल बच्चा को आप लोगों पढ़ाई के लिए भेज दीजिए, पेन पेंसिल स्कूल ड्रेस सब कुछ किताब पूरा सरकार के द्वारा फ्री मिलेगा, कंप्लीट पढ़ाई सिस्टम फ्री होगा। ये हमारा इरादा है। जय महाभारत पार्टी सरकार बनने के तुरंत ये हम लागू करेंगे। और इसके साथ साथ पूरा त्रिपुरा राज्य में अनेक नया नया सुपर स्पेशलिटीज हॉस्पिटल हर मोहल्ला में बना के निःशुल्क ट्रीटमेंट और दवा हम देने के लिए एजेंडा में रखा है। प्राइवेट हॉस्पिटलाइजेशन सिस्टम टोटल बैन करके प्राइवेट हॉस्पिटलों को सरकार के द्वारा टेक ओवर करके जनता को चिकित्सा एवं दवा फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क देने के लिए हमारा एजेंडा है। ये एजुकेशन और मेडिकेशन दवा मुफ्त मिलना चाहिए। और स्वास्थ्य अच्छा है, अच्छा पढ़ाई है तो आपका बाल बच्चा आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए ये दोनों चीज़ में जय महाभारत पार्टी वेरी सीरियस है। एजुकेशन और दवा और चिकित्सा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। प्राइवेट एजुकेशन, प्राइवेट हॉस्पिटल सिस्टम टेक ओवर करके उसको कंप्लीट बैन करेंगे। और जय महाभारत पार्टी पूरा त्रिपुरा राज्य में जो गरीब महिला है वो लोगों को रहने के लिए घर नहीं है, ऐसा लोगों के लिए आधा घंटा एक ओपन फ्लैट जमीन भूमि देने के लिए एजेंडे में रखा है। हम जरूर दे देंगे ताकि वो लोग उसमें घर बना के रह सके। जब रहने का जमीन ही नहीं है तो हमारा देश आगे कैसे बढ़ सकता है, त्रिपुरा राज्य कैसे बढ़ सकता है। इसलिए पूरा महिला लोगों के लिए जो गरीबी है, जो नीडी है, उनके लिए एक ओपन फ्लैट भूमि दे देंगे घर बनाने के लिए। और इसके साथ साथ युवा लोगों को और महिला लोगों को उसका फील्ड में सशक्तिकरण के लिए हर तरह का मदद करेंगे जय महाभारत पार्टी। और जय महाभारत पार्टी पूरा त्रिपुरा राज्य में 60 MLA सीटों पे आधा हिस्सा युवा को दे रहा है और 60 MLA सीटों पे आधा हिस्सा महिला लोगों को दे रहा है। हम आमंत्रण करते हैं युवा और महिला लोगों जय महाभारत पार्टी के साथ जुड़िए, जय महाभारत पार्टी के द्वारा चुनाव लड़े, जय महाभारत पार्टी का सरकार त्रिपुरा में बना के बेहतर त्रिपुरा बनाएंगे हम लोगों। और पूरा त्रिपुरा में खेतबाड़ी किसान लोगों के लिए पानी का उपलब्ध कराना है हमारा जिम्मेदारी होगा सरकार बनने के तुरंत। और मैंने सुना था यहाँ पानी का भी दिक्कत है गांव-गांव में जनता को पीने के लिए। हर मोहल्ला में, हर गांव में स्वच्छ पीने का पानी जरूर हम अरेंजमेंट करेंगे। और इसके साथ साथ अधिक दाम नियंत्रण करेंगे, भ्रष्टाचार कंप्लीट नियंत्रण करेंगे एकदम। MLA लोगों को उसी परिक्षेत्र में गवर्नमेंट परमानेंट ऑफिस कम रेजिडेंस बनाएंगे। MLA लोगों वहाँ बैठेगा, लोकल समस्या तुरंत सॉल्व करने के लिए लोकल जनता के टच में रखेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम बोलेगा इसको, यानी 60 MLA उनका परिक्षेत्र में बैठना होगा, MLA मिनिस्टर के जगह पे भी उनका रिप्रेजेंटेटिव बैठना होगा। सो वो लोगों ऑफिस में बैठ कर काम करना होगा। जब असेंबली सेशंस है अगरतला में आके बैठ के जा सकते हैं, बाकी टाइम तो जनता के बीच में रहना होगा। ये पब्लिक ऑथेंटिक ऑफिस होगा MLA का ऑफिस। तो इससे क्या होता, हर महिला जाके MLA को उनका शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसलिए जय महाभारत पार्टी अपील करते हैं पूरा त्रिपुरा राज्य में जय महाभारत पार्टी सरकार को आप लोगों स्वीकार करने के लिए आप लोगों का आशीर्वाद दे दीजिए, वोट दे दीजिए और जय महाभारत पार्टी का राज्य बनाने में आप लोगों का सहयोग दे दीजिए। जय महाभारत पार्टी। आप लोगों का यह कोई पार्टी विषय है अभी तक?
जी पार्टी ऑफिस है अभी तक आप लोगों को? नहीं, अभी जगन्नाथ मंदिर के पास पार्टी ऑफिस 2-3 दिन में बन रहा है। जो पार्टी ऑफिस का उद्घाटन है, आप सभी लोगों को हम आमंत्रित करेंगे। आप लोग इस चुनाव में क्या अकेले लड़ेंगे या फिर किसी के साथ अलायंस होंगे? नहीं, अभी तक तो किसी के हम तो अकेले दम पे चुनाव लड़ते हैं। फिर अगर हमारा लाइक माइंडेड है, लेक्का फॉर्मेट में जनता को स्वच्छंद रूप में सेवा करने का लोगों में, तो तब सोचा जाता है। प्रेसिडेंट वगैरह चुनाव किया आपने? ना, अभी हमारा पूरा कार्यकारिणी 60 MLA प्रत्याशियों का पूरा हम दोबारा 10 दिन के अंदर हम आपके सामने पेश करेंगे। आपका नाम? भगवान श्री अनंत विष्णु है। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एडवोकेट हूँ और हम महाराष्ट्र तेलंगाना से बिलोंग करते विष्णु वंशम खानदान का मैं वो हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।